ठीक है। सब कदर से हुए हैं फरारी, अब छपरा लौट के ना जाएंगे, नोनी रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। साल 2014 के आम चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार ने जिस रफ्तार से इन 5 साल में काम किया है, उससे देश की जनता में मोदी सरकार को लेकर एक विश्वास कायम हुआ है, जिसकी वजह से 5 साल बाद भी मोदी लहर बरकरार दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के काम और उनके विजन से ही प्रभावित होकर तमाम स्टार सुपरस्टार या तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। जिन कलाकारों को विपक्ष नाचने गाने वाला कहकर मजाक उड़ाता है, उन्हीं कलाकारों को बीजेपी टिकट देकर चुनाव लड़वा रही है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी से मिला सम्मान ही है कि मंगलवार को ही भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी बीजेपी के चुनाव प्रचार में कूद पड़े। नून रोटी खाएंगे जैसे सुपरहिट गाना गाने वाले खेसारी लाल यादव ने मंगलवार को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया। खेसारी लाल को छोटा भाई बताने वाले मनोज तिवारी ने चुनाव प्रचार की कुछ तस्वीरें भी ट्विटर पर शेयर की है और लिखा है, आज चुनाव प्रचार रोड शो में साथ देने उतरा मेरा छोटा भाई खेसारी लाल यादव, घी रोटी खाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। ठीक है। मनोज तिवारी के ट्वीट पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, मोदी विरोधी को भी समझ आ रहा है, जीत कर फिर से मोदी दिल्ली आ रहा है। ठीक है। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है, भोजपुरी सिनेमा के 3 सुपरस्टार मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ, खेसारी लाल यादव, जब तीनों एक साथ हैं तो कौन हराएगा मोदी जी को। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जिस सीट पर मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भोजपुरी वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी मानी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस सीट से एक बार फिर से चुनाव मैदान में मनोज तिवारी को उतारा है। भोजपुरी वोटर्स को लुभाने के लिए ही इन दिनों खेसारी लाल यादव भी जमकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने इस बार भोजपुरी सिनेमा के जाने माने नाम रवि किशन को जहां योगी की सीट गोरखपुर से टिकट दिया है, तो वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ को सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ से टिकट दिया है, जबकि मनोज तिवारी दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से और अब खेसारी लाल यादव भी मोदी को दोबारा पीएम बनाने में जुट गए हैं। यानी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री इन दिनों कह रही है, नून रोटी खाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। ठीक है। नून रोटी खाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। ठीक है। मैं चाहूंगा कार्यक्रम के अधिकारी ने प्रभाव जी, मैं चाहूंगा कि प्रत्याशी जी का मिलने पर उनका स्वागत करें। नौजवान साथियों, हमारी माताएं बहनें और सामने मोबाइल लेके खड़े हमारे निरहुआ हिंदुस्तानी के फैन लोग, अखिलेश भैया कहो तो कि हमारे सामने नाचने गाने वाला चुनाव लड़ रहा है, तो उनके पता ना कि जब हम नाचे गावे वाला के आई जनता आशीर्वाद दे के हीरो से हीरो बनाने है तो सांसदों बना दे। हमारे भैया हुआ अखिलेश भैया, हमारे बड़े भाई हुआ, लेकिन गलत थानी में उनके लगा था कि बहन जी से हाथ मिला के बैठ जाते, हम लोग बैठ जाओ, हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री के रोक दिया। वो कहा था कि हमारी जिद है कि हम नरेंद्र मोदी को आने नहीं देंगे। हम कहने तो बहुत गलत फहमी में हुआ, जब आजमगढ़ अवतार तो के पता चला कि हाँ तो जनता ठान ले कि जब त्योहार जीत है कि नरेंद्र मोदी को आने नहीं देंगे, तो आजमगढ़ भी ठान ले कि नरेंद्र मोदी को जाने नहीं देंगे। ये चुनाव है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री का चुनाव है, बिरादरी चुनने वाला चुनाव ना है, प्रधानमंत्री चुने के है। प्रधानमंत्री वो बनी
बहाली बनो ले। पूरी दुनिया चाहता कि नरेंद्र मोदी जी फिर से भारत का प्रधानमंत्री बने। सिर्फ एक देश ना चाहता, कौन देश नहीं को बताओ, पाकिस्तान। कहना चाहता पाकिस्तान ऐसे ना चाहता जैया प्रधानमंत्री बनना नरेंद्र मोदी जी कर है भाई पाकिस्तान। एक बात कान खोल के सुन ला कि भाई बनकर मिलोगे तुम तो तुमको गले लगा लेंगे और आंख उठाकर देखोगे तो बेटा ईट से ईट बजा देंगे। तुम सिविल लगाकर शिक्षा देते चोर लुचंगे लुच्चों को, पाकिस्तान को खुली चुनौती दिया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। तुम शिविर लगाकर शिक्षा देते चोर लुचंगे लुच्चों को, देखना है तो देख ले आके हिंदुस्तान के बच्चों को। तुम रोक लो अपने गुर्ग मंडली, तुम रोक लो अपनी गुर्ग मंडली वरना तुर्क चला देंगे बच्चे हिंदुस्तान के, तुमको इनामी याद दिला देंगे। तो पाकिस्तान की तो हालत खराब कल, अरे बाप रे बाप, इत मार के मुआ दे समझ गए कि अगर एक देश के प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी जी बन गए तो पाकिस्तान को खैर ना। तो नरेंद्र मोदी जी नरहुआ के आजमगढ़ के चौकीदार बना के भेजे वहां, अब यहां तेरे को गुंडे ही ना चले। ढेर गरीब के किसान के है भैया के बहनी लोग के जो आंख दिखाई बंदूक दिखाई ओकर इलाज निरहुआ बहुत बढ़िया से कह दे, समझ ला भैया लोग। केहू अब सोची मत कि गुंडई करे के है और भैया बहनों को कह छीने के छीने ना दे, यही खातिर आ रही। और एक बात और कहो तो तुम लोग के 12 तारीख के जब बूथ पे जाइए आ लोग तो याद रखिए आ लोग कि तुम लोग के लड़का तुम लोग के बेटा तुम लोग के भोजपुरी के कलाकार निरहुआ का निशान कमल है और उस समानवा निरहुआ का फटोबू रही। हाँ फटोबुआ के चीन में लोग ना बस वो बटमिया दबा के कह दिया जा बेटा निरहु जीत जा। सोच के करिया मत बनवा सुना गांव के लोग, सुना गांव के लोग ध्यान से सुना गांव के लोग, सोच के करिया मत बनवा सुना गांव के लोग। और अगर गलती कहिया ना तो देशवा बेच दी है बेईमानवा सुना देश के लोग, देश से बढ़ के कुछ ना होना सब बातें बेकार, और देश के हित में किसानन के हित में हर जवानन के हित में हमारे बहनी लोग के हित में हमारे भैया लोग के हित में एक बार फिर से मोदी सरकार। क्यों पूछी कि काहे कमल का बटन दबाए गए तो कह दिया कि निरहुआ पहले पाया गाना सुना देश के लोग। जहाँ तक मनोज भैया की बात है तो मनोज भैया हमारे गार्जियन है और वो जहाँ चलते हैं पूरी इंडस्ट्री वही जाती है, क्योंकि आज तक उन्होंने गलत नहीं किया है और हम अच्छे स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। 10 को कहानी देखी रह जाते एक को कहानी पर जो अच्छा वाला वही पर काम कर लेते। तो इन जितनी भी पार्टियाँ हैं सारे पार्टियों को देखने के बाद हमें लगा कि नहीं यही कहानी अच्छी है जो हमारे बच्चों की भविष्य बना सकती है। तो हम यहाँ आज आए हैं और सबका साथ सबका विकास, तो विकास की जहाँ बात आती है वहाँ तो हमें साथ रहना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि हम भी चौकीदार बन के इस दुनिया का रक्षा करें और चौकीदार बन। परसों साथ में तो आप ही बोल दीजिए आप पहुँचाए मैं बातें थोड़ी है। खेसारी जी का परसों का कार्यक्रम हमारे पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में है। आनंद भी है, एक मिनट सूरजवान भी अगर आप आए। हेलो बाबू, हेलो बाबू,
सुकाल बिशुकाल बाबू ये वो गीत बहुत हिट गीत है बाबू बहुत हिट गीत इधर में हेलो सब कदर से हुए हैं फरारी अब छपरा लौट के ना जाएंगे नोनी रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे